हेलो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। तो मेरे से एक 4,000 का स्कैम हो गया, जो कि मेरे डम डिसीजन की वजह से। बट उसमें मेरी भी क्या गलती है और क्या नहीं गलती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मनीकरण गुरुद्वारे में 3-4 घंटे मैंने बात की एक इंसान से, तो मुझे ठीक लगा, जेनरल बंदा लगा। देन मैं शिमला की तरफ निकल रहा था, तो उसने अगले दिन शिमला आना था, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको होस्टिंग, आप मेरे उधर आना, बगीचा दिखाऊंगा, तो हमें घर रहना 1-2 दिन। तो मैंने बोला देखा जाएगा, आप अपना नंबर दे दो, मैं जब शिमला पहुंच जाऊंगा तो आपको कॉल करूंगा, तो तब देखते हैं आपके घर आना या नहीं आना, ठीक है। तो मैं निकल गया अगले दिन, तो मैं मंडी पहुंचा। शिमला हिमाचल का एक अच्छी जानी मानी जगह है मंडी, वहां पहुंचा। तो एक दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन उसने शिमला आना था, उस दिन मैं भी मंडी से शिमला जा रहा था। तो बार बार फोन कर रहा था ड्यूरिंग ट्रैवल, मैं सड़क पर था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशन थी। सामान बैग फटा था, उसका देखना संभालना था, क्या बोलते हैं लिफ्ट मिल जाए जल्दी से, क्योंकि लेट लेट हो गया था काफी, क्या पता शिमला पहुंच पाऊँ नहीं पहुंच पाऊँ। तो बहुत सारी ऐसे दिमाग में चीजें चल रही थी, उसके साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहा था, उसके साथ साथ वीडियो बना रहा था, ये टेंशन थी कि पिछली वीडियो क्यों नहीं चल रही, बहुत सारी टेंशन चल रही, दिमाग में 100 चीजें चल रही थी। उसका एक बार फोन आया, नहीं उठाया। दो बारी फोन किया, उसने नहीं उठाया, मैंने क्योंकि मैं बिजी था, तो मैंने सोचा कोई ज्यादा ही कर रहा है फोन, तो एमरजेंसी होगी, कुछ कर लेता हूँ बात एक बारी। जब बात की तो उसने बोला कि मेरा सामान चोरी हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, और मुझे शिमला आने के लिए किराया नहीं है, तो रिश्तेदारों ने कोई सामान मंगाया था वो लेना है, तो अगर आप पैसे मदद कर सकते हो, आप पैसे भेज सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने पहले मैं आपको मैंने कोई साइलेंस मैं साइलेंस था, मैंने जवाब नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि उसने उसने बाद में बहुत प्यार बड़े प्यारे तरीके से खेला मेरे साथ। उसने बोला कि ऐसा करो, रहने दो, आप अगर आप नहीं दे सकते, आप मदद नहीं कर सकते, रहने दो, मैं किसी और से हेल्प मांगता हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि बंदे से मैंने, क्योंकि 3-4 घंटा बात की थी, मेरे दिमाग में तो एक गुड इमेज थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं कर देता हूँ, तो आप कैसे दोगे वापस? तो बोलता शाम को जब आप पहुंचोगे शिमला, तो वहां पर आपको मैं कैश दे दूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं ऑनलाइन कर दूंगा। तो पहले मैं बोल रहा था 500 भेजता हूँ, तो बोलता मुझे 2,000 रुपीज चाहिए, अगर उतना दे सकते हो ठीक है, अदरवाइज रहने दो आप, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लेता हूँ। और मेरे दिमाग में इतना सारी चीज जो थी, इतना डंप हूं मैं, इतना बेवकूफ हूं, मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया। और मैंने क्या बोला कि कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। 2 घंटे हो गए सड़क पर, और उस इलाके में गांव वाला एरिया था, वहां पर लिफ्ट नहीं मिल रही थी मुझे, तो मेरी टेंशन बहुत थी। तो उस वक्त एक और एक फोन आया, तो उस वक्त मुझे उससे बहस नहीं करनी थी या उससे ज्यादा बातें नहीं करनी थी, तो उस वक्त भी मैंने पता नहीं अचानक से मैंने ना उसको फिर से पैसे दे दिए, तो मेरे साथ 4,000 का स्कैम हो गया। तो ये बात है। उसके बाद ये कैसे पता चला मेरे से स्कैम हुआ है, शाम को मैंने फोन किया तो उठाया 1-2 बारी फोन, तो उसने भैया मैं आ रहा हूँ, अभी बस में ही हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। तो मैं शिमला के बस स्टैंड में बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, 40 मिनट हो गए और वो बंदा नहीं पहुंचा। तो मैंने फोन किया तो बंदे ने उठाया नहीं, बिजी आ रहा था। तो मैं सोचा यार बिजी आ रहा है, क्या इशू क्या है, एक बार बिजी आया, 2 बारी, 10 बारी बिजी आया, तो मुझे शक होने लगा। तो मेरे एक्स्ट्रा नंबर पड़ा होता है हमेशा, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा नंबर से दूसरे नंबर से फोन किया, तो वहां से उठा लिया उसने। तो जब उसने उधर ही बात की, नो डाउट, उसने बोला भैया मैं बात कर रहा था किसी से, इसलिए बिजी आ रहा होगा, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे और। तो मैंने ठीक है बट फोन तो उठाओ, मैंने ये बोला। अब आगे क्या हुआ कि उसने, ये तो हो गया, देन दोनों नंबर ब्लॉक कर दिए मेरे, फोन ही नहीं लग रहा। तो मैं एक रैंडम पर्सन से मैंने बोला भैया मुझे कॉल करनी है इमरजेंसी, उससे फोन किया, उस वहां से फोन उठा लिया, मेरी आवाज सुनकर उसने काट दिया। तो ऐसी बात है। तो जब मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, एक दो दोस्त जिसको शेयर किया, तो उन्होंने भी ट्राई किया, तो उन्होंने उसने फोन उठाया, कुछ नहीं बोला, म्यूट कर दिया अपने आप को। और बाद में क्या हुआ कि पहले सोचा था मैं इसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बट अभी मेरा फोटो भी है और नंबर भी है, तो आप जाकर देख सकते हो स्क्रीन पर। ऐसे मैं अपनी कोई प्रॉब्लम बताता नहीं हूँ, बट ऑडियंस में से काफी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी, कि भाई एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, लोगों को पता होनी चाहिए, लोग उसी के लिए भी, उसकी उस चीज़ के लिए भी आ रहे हैं। हमेशा हैप्पी चीज़ दिखाओगे तो वैसा नहीं होगा। तो ऐसी ऐसी बात है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोल सकता। तो बस क्या बोलूँ मैं।
और सबसे बड़ी गलती पता है क्या की मैंने, मैं हमेशा ऐसे ऐप से ऐप रखता नहीं अपने फोन पर, अवॉइड ही करता हूँ। अगर ट्रू कॉलर मेरे पास होता ना, उसका नंबर मैंने सेव किया था, तो ट्रू कॉलर में लिखा भी है ये रिलेटिव के नाम पर पैसे मांगता है तो जहां पर मिले इसकी टांगे थोड़ा, ऐसे कुछ नाम आएगा। अगर आप ट्रू कॉलर पे इस नंबर को चेक करके देखोगे तो ऐसा ही होगा। तो मेरे पे ट्रू कॉलर नहीं था तो मैंने चेक नहीं किया, तो मेरे साथ ये सीन हो गया। और सबसे बड़ा लेसन जो सीखा ना मैंने इससे, सबसे बड़ा लेसन ये सीखा है कि किसी मदद लेनी है या किसी की मदद करनी है, पैसे उसमें बीच में पैसे नहीं आने चाहिए, बिल्कुल पैसे नहीं आने चाहिए। पैसे से तो मदद करनी ही नहीं किसी की, ठीक है? अगर जब तक जान पहचान करनी है, रैंडम पर्सन उसकी मदद करनी है तो देख, पैसे के अलावा कोई और मदद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करो, ठीक है? और सारों को यही एडवाइस कर रहा हूँ, पैसे को किसी के बीच में नहीं, रैंडम बंदे से पैसे की बात में बात ही नहीं करनी है, ठीक है? तो सारे स्कैम से बचे रहोगे। ऐसे मुझे मेरे साथ कभी स्कैम होता नहीं होना, ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है हिमाचल प्रदेश वाली साइड से। ऐसे हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, सुंदर हिमाचल प्रदेश है, बहुत अच्छे से यादें, बहुत अच्छे से लोग मिले, बहुत अच्छे से गुरुद्वारों में भी लोग मिले, मंदिरों में भी मिले, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हिमाचल में। बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था मुझे मेरे साथ स्कैम भी हिमाचल में होगा। चलो अभी रेडी हूँ यूपी और दिल्ली के लिए, दिल्ली यूपी के बारे में काफ़ी सुना है, बी सेफ, तो देखते क्या बनता है। काफ़ी लंबी बात हो गई है, तो मिलते हैं, बाय बाय। और मैंने ब्लॉग में ऐसा स्कैम के बारे में कोई बात नहीं की, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर